कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। पार्लियामेंट के इस सेशन में और इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। और कैंटोनमेंट एक्सप्रेस के पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि किस प्रकार से जो कैंटोनमेंट एक्ट जो 1924 था उसको बदला गया था और 1924 का जो एक्ट था उसको बदलकर 2006 में अमेंड किया गया था। अब 2006 के बाद फिर से 1921 में कैंटोनमेंट एक्ट ये इसका बिल का प्रस्ताव रखा गया था और उसके साथ ही साथ द कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2021 भी ये बिल रखा गया था। और ये दोनों भी ये जो एक्ट थे इसके ऊपर काफी बड़े पैमाने पर कैंटोनमेंट सिकंदराबाद, कैंटोनमेंट औरंगाबाद, कैंटोनमेंट शिलोंग, कैंटोनमेंट लखनऊ, कैंटोनमेंट महू, कैंटोनमेंट अम्बाला, इसी सभी तरीके से भारत के सभी 62 कैंटोनमेंट से वहां पर ऑब्जेक्शंस गए थे। और डीजीडी ने जो वक्त दिया था और उन्होंने सेक्शन 346 ऑफ कैंटोनमेंट एक्ट 2006 में इसमें अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव रखा गया था और इसमें भारी पैमाने पे ऑब्जेक्शंस गए थे। और उस ऑब्जेक्शंस का कुछ भी अमेंड और उसको नजरअंदाज कर दिया गया। और हमने आपके पिछले वीडियोस में बताया था कि माननीय सुषमा स्वराज जो उस वक्त में जब कैंटोनमेंट एक्ट 2006 बन रहा था उस पीरियड में भी उन्होंने कहा था कि ये जो सुझाव जाते हैं डीजीडी को और डीजीडी ऑफिस को तो वहां पर कुछ भी किया नहीं जाता है और डायरेक्टली ये लोकसभा में प्रस्ताव चला जाता है और ये बिल को मंजूरी 2 सेकंड में मिल जाती है। तो ये बहुत ही बुरी बात है और खराब बात है। इट्स वेरी वेरी रॉन्ग एंड एन सच एन इंडिया ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पर ये बताया जाता है कि ये डेमोक्रेटिक पद्धति से ये सब किया जाता है। लेकिन कैंटोनमेंट और कैंटोनमेंट की जो 62 कैंटोनमेंट्स है यहां पर पहले भी ब्रिटिश हुआ करते थे और वही ब्रिटिश रूल्स आज भी चल रहे हैं, आज भी वैसे ही होता है। आज भी अगर देखा गया तो किसी भी कैंटोनमेंट में अगर हम सादा एक सिंपल घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए जो परमिशन दी जाती है वो जल्दी से दी नहीं जाती है। उसके लिए बड़े बड़े केसेस फाइल करने पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किए जाते हैं, हाई कोर्ट में। लेकिन ये सभी मैटर्स जब भी डिस्पोज भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी कैंटोनमेंट उसको परमिशन नहीं देती है। ये बहुत बड़ी विपदा है और मैं समझता हूं कि आजाद भारत में ये हम जो कैंटोनमेंट और बाकी के कैंंटोनमेंट के जो रहवासी रह रहे ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि यहां पर एक्ट नाम की कोई चीज नहीं है और डेमोक्रेटिक ये शब्द का अर्थ यहां पर उसका कोई मायने ही नहीं है। और यहां पर आप देखेंगे कि कैंटोनमेंट विकास मंच जो है सिकंदराबाद, हम ये समझते हैं कि ये भारत का ये पहला कैंटोनमेंट होगा और ये भारत का ये पहला संस्था होगी कैंटोनमेंट विकास मंच, जिन्होंने दिल्ली तक जाकर वहां पर एजिटेशन किया, वहां पर उन्होंने धरना धरा है 2 तारीख को और पार्लियामेंट और लोकसभा के सामने ये रखा है। आगे की क्लिप में आप देखेंगे कि कैंटोनमेंट विकास मंच ने किस तरह से पार्लियामेंट के सामने एजिटेशन किया है। मेरा नाम गड्डा मेबल है, हम हैदराबाद से हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन सिकंदराबाद कैंटोनमेंट विकास मंच है, हम पिछले 1 साल से सिकंदराबाद कैंटोनमेंट सिविल एरिया को पूरा जीएचएमसी में और तेलंगाना स्टेट में मर्ज किया तो हमारे 4 लाख कैंटोनमेंट की आवाम को जस्टिस मिलता, क्योंकि पिछले कई सालों से कई समस्या वहाँ पड़ी है और कोई भी अधिकार वहाँ पर कोई भी अधिकारी या ऑफिशियल्स या
इलेक्टेड बोर्ड मेंबर पब्लिक का ये इश्यूज पे कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सब कमर्शियल एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं और गरीब आवाम का और जो स्लम एरियाज में जो समस्या पड़ी हुई है उसमें कोई भी ध्यान नहीं देता। ऑफिशियल ऊपर ऊपर काम करके चले जाते हैं और जो कंटेनमेंट एक्ट 2006 है उसको अमल करने में भी ये लोग विफल हो चुके हैं और 1924 एक्ट जो ब्रिटिश एक्ट थे वो एक्ट को भी हम रद्द करने के लिए हमारा संस्था कई काम कर चुकी है। इसी सिलसिले में 1924 एक्ट को रद्द कर 2006 कंटेनमेंट एक्ट को लागू में लाया गया है और अब 2006 अमेंडमेंट को रद्द करके 2021 एक्ट को लाने का कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज अब पार्लियामेंट में जो 2021 कंटेनमेंट का बिल प्रवेश किया है, इस बिल के ऊपर सारे कंटेनमेंट के एमपीओं को फिर पूरी संपूर्णता से उनको डिबेट करने के लिए मौका दिया जाए, हुकूमत उनको मौका दिया जाए कि कंटेनमेंट की आवाज़ के आवाम के खिलाफ एमपीओं को बात करने का मौका दिया जाए। बगैर डिबेट की ये बिल पास नहीं होनी चाहिए। देखिए दो दिन पहले ये जो कृषि ये किसानों का बिल भी बगैर डिबेट का रद्द किया गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए क्योंकि हुकूमत प्रजा के लिए है, कानून प्रजा के लिए है। ऐसा हो रहा है कि इस गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है कि कंटेनमेंट के 62 कंटेनमेंट हिंदुस्तान में है और 62 कंटेनमेंट का पब्लिक का भी हालत यही है। सर क्या क्या परेशानियां हो रही है वहाँ जो लोकल लोग रह रहे हैं, आपने बताया 400,000 लोग रह रहे हैं वहाँ जी, तो उनको क्या क्या समस्या, उनको समस्याओं का क्या है बोलते, फर्स्ट टाउन प्लानिंग का सिस्टम करेक्ट नहीं है, नगर पालिका जो है ना GHMC यानी कंटेनमेंट ग्रेटर हैदराबाद, उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वहाँ टाउन प्लानिंग बराबर नहीं है। अगर एक मकान को एप्लीकेशन देना है तो एक सालों साल भर उन लोगों ने अपने को परमिशन नहीं देते और बोर्ड मीटिंग भी एक साल पे एक बार होता है, जो बिल्डिंग बड़े बड़े बिल्डिंग कमर्शियल एक्टिविटीज के बिल आए तो जब वो लगा मीटिंग लगाए थे, लेकिन गरीब 50। अभी अभी ये समाचार आया है और कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2021 को लागू कर दिया गया है और इसके बारे में विस्तार से विवरण अगले वीडियो में देखेंगे।